हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। यदि इंदौर की सड़कों की बात करें तो इंदौर की सड़क एक बार फिर राममय होती हुई नजर आ रही है। 22 जनवरी को जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के आयोजन हो रहे थे, उसी तर्ज पर इंदौर की सड़कों पर आज गुड़दलिया बांट कर नववर्ष का स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। भैया, किस तरह का आयोजन है और किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? पहले तो आप सबको नववर्ष और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे इंदिराज संगठन के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष सचिन वैष्णव जी के नेतृत्व में कालानी नगर क्षेत्र 60 फीट रोड पर आज गुड़ धनिया बांटकर नववर्ष मनाया जा रहा है। आज वो आज क्षेत्र नवरात्र भी लगे, लोगों को उनकी शुभकामनाएं भी दी जा रही है। भैया, लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव? आपको तो सब पता ही है, सारे शहर को पता है कि इस बार सिर्फ लीड बढ़ाने का काम है। हमारे सामने ना तो कोई चुनौती है। इस बार पूरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में इंदौर हम 8 लाख पार करेंगे। कुछ लोग भी मौजूद है। भैया, नववर्ष मनाया जा रहा है, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ पर सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष को देखते हुए यहाँ पर हमने एक आयोजन रखा है। लोगों को सबको फूल धनिये के साथ में लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और सबकी मंगल कामना के लिए भगवान से दुआ कर रहे हैं। हम पिछले दिनों ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, पहला आयोजन है, किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हिंदू धर्म के प्रति इतना उत्साह, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कारण है कांग्रेस छोड़कर? कुछ ऐसे कारण थे जिससे राम मंदिर का जो इन्होंने ठुकराया था आयोजन का निमंत्रण, इस वजह से हमारा बहुत फेस लगी और इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन करी। यहाँ पर कुछ और लोग भी आप देख सकते हो, बकायदा गुड़ धनिया यहाँ पर बांटा जा रहा है। गुड़ धनिया बांट कर हिंदू नववर्ष की बात किया जा रहा है। कुछ और लोग भी मौजूद है। भैया, क्या कहना चाहेंगे? नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह से धनिया और गुड़ का बहुत ज्यादा महत्व है, उसी प्रकार से सबको गुड़ धनिया का प्रसाद वितरण करके सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं दी जाए। लोकसभा चुनाव में किस तरह का फायदा मिलने की उम्मीद है? लोकसभा चुनाव में फायदे और चुनौतियों में कोई ज्यादा ऐसा कोई मामला है नहीं, तो जिससे ऐसा लगता है कि जीत पक्की है। युवाओं के लिए क्या आने वाली नई सरकार से उम्मीद है? युवाओं के लिए नई सरकार से उम्मीद है रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा, जो जिस प्रकार से अभी 2-3 चीजें सामने आई है उसको लेकर काम किया जा रहा है, जिससे बीजेपी को तो उससे कोई फायदा हो सकता है। फिलहाल ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद है आपकी? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी बार 400 पार। क्या किस तरह से आएगी 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, किस तरह से वो ग्राउंड लेवल पे उतरेगा? क्योंकि कई मध्य प्रदेश की सीटों पर भी कसमकस की बताई जा रही है। कोई कसमकस नहीं, एक तरफा बीजेपी आएगी। श्री राम जन्मभूमि के में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उससे हर हिंदू के मन में राम मंदिर है। गुड़ धनिया बांट कर भी लोगों के बीच में पेड़ बनाई जा रहे हैं। ये आयोजन हमारे सचिन वैष्णव जी का है और हिंदू नववर्ष में गुड़ धनिया का एक अपना महत्व है, इसलिए बांटा। भैया, क्या कहना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद है? पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी जी का जैसा नारा है कि अब की बार 400 पार, उससे भी कहीं अधिक सीटें बीजेपी जीतेगी। किन कारणों के चलते इस बार मोदी सरकार फिर 400 पार जा रही है? देखिए, उनके द्वारा किए गए धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्य जो है, जिसके कारण इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, इस कारण से लोगों के मन में एक भावना है कि हमको मोदी जी को फिर से विजय बनाना है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका कहना था कि इस बार मोदी सरकार 400 पार जाएगी और नववर्ष के उपलक्ष्य में हम यह संकल्प लेते हैं। इंदौर से टीम 9 भारतवर्ष के लिए संदीप शाह।